हेलो एंड वेलकम दिस इज डॉक्टर आकृति ऑन बिहाफ ऑफ केडी कैंपस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विथ अ पावर पैक सेशन ऑफ टुडे जिसका नाम है तीन ऑर्गन्स थ्री ऑर्गन्स लिवर गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज आज हम ये तीन ऑर्गन्स इतने डिटेल में करने वाले हैं कि इसके बाद नीट में आया हुआ एक भी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से होगा वो आप गलत नहीं करोगे दूसरी बात मैंने ये टॉपिक इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कुछ सिंपल एंड कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड तो वहां पे कॉन्सेप्ट हो गए जैसे आपके हिपैटो पोर्टल सर्कुलेशन ये सब कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी है तो चलो आज की इस अमेजिंग सेशन की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिवर अगर मैं आपको बताऊं कि लिवर के नाम में ही तीन एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी आप पूछोगे वो कैसे आओ देखते हैं सबसे पहले एल फॉर लिवर एंड एल इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या हो गया लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी और हम ये भी कह सकते हैं कि लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंटरनल इसीलिए क्योंकि ये अंदर है एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो वो होगा आपका स्किन ठीक है तो एक पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दूसरी बात आर आर का मतलब है यहाँ पे कि लिवर इज सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम अब आप सोचोगे हाइपोकॉन्ड्रियम वर्ड का क्या मतलब है तो बेटा स्टमक को एनाटमिक हम काफ़ी सारे रीजन्स में डिवाइड करते हैं पर वो अभी आपके स्कोप के बियॉन्ड है राइट right हाइपोकॉन्ड्रियम का सिंपल ये मतलब है कि डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड ऑफ द बॉडी में जो रीजन है दैट इज योर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है लिवर ठीक है तो आगे आपका दो पॉइंट्स पहला पॉइंट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी प्लीज इसका वेट भी याद कर लेना 1.2 टू 1.5 पॉइंट दूसरा पॉइंट सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जस्ट बिलो द डाइफ्रेम ठीक है कहां पे सिचुएटेड है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जस्ट बिलो द डाइफ्रेम तीसरा एम सी क्यू कितने लोब्स होते हैं टू लोब्स लेफ्ट एंड राइट तो कितने लोब्स होते हैं टू लोब्स लेफ्ट एंड राइट डिवाइडेड बाय अ फॉर्म लिगामेंट कौन डिवाइड करता है लिवर को दो लोब्स में लिवर को दो लोब्स में डिवाइड करता है फैल्सी फॉर्म लिगमेंट ये प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन है एंड जिपमर का क्वेश्चन है ठीक है प्रीवियस ईयर एम्स नीट एंड जिपमर लिवर को कौन डिवाइड करता है दो लोब्स में फैलसी फॉर्म लिगमेंट तो बताया था ना मैंने लिवर में तीन एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगी लार्जेस्ट क्लैंड पहला एमसी दूसरा एमसीक्यू राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और तीसरा एमसीक्यू लेफ्ट एंड राइट लोब को कौन डिवाइड करता है फैलसी फॉर्म लिगमेंट चलो आगे अब जैसे एक बिल्डिंग कुछ ईंटों से बनी हुई होती है सिमिलर केस है हमारे ऑर्गन्स के साथ ऑर्गन्स भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स क्योंकि वो सेल उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर तो बना ही रही है साथ ही साथ इट हेल्प्स द ऑर्गन टू फंक्शन एज वेल ठीक है तो लिवर के केस में द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर होते हैं हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं हिपैटोसाइट्स याद रखना एक बात जहाँ पे भी हिपैटो वर्ड मिलेगा इट मीन्स लिवर जहाँ पे भी आप हिपैटो वर्ड की बात करोगे मतलब आप लिवर की बात कर रहे हो और साइट्स का मतलब होता है सेल्स सो वॉट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर दे आर द हिपैटोसाइट्स ठीक है अब ये हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वो अरेन्ज होते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स के फॉर्म में और एक कार्ड के फॉर्म में ठीक है तो ये पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं द हिपैटिक लोब्यूल्स ओब्लीग द हिपैटोसाइड आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर अरेन्ज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स ठीक है अच्छा सबके पास घर में कभी है ना कभी कोई एक नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल हो गया टीवी हो गया ये सब आया होगा आपने नोटिस किया है जब आप कोई नई चीज़ लाते हो मार्केट से तो वो एक बहुत अच्छे से रैप होती है सेलोफिन पेपर जो ट्रांसपेरेंट वाली पेपर आती है उससे ठीक है सिमिलरली लिवर भी एक ऐसे कनेक्टिव शीट से कवर्ड होती है ठीक है सो ईच लोप्यूल इज़ कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव शीट नोन एज द ग्लिस कैप्सूल क्या कहते हैं ग्लिसेंस कैप्सूल एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो ये क्वेश्चन पिछले दस सालों में छ बार आया हुआ है कितनी बार आया हुआ है छः बार सो ग्लिसेंस कैप्सूल एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू शीत है जो लिवर को कवर करता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख लो तीन एम हमने पिछले स्लाइड में किए थे दो एम हमने इस स्लाइड में किए जो कि हो गया इसमें एमसीक्यू नंबर फोर हो गया आपका हिपैटोसाइड एमसीक्यू नंबर no. फाइव हो गया आपका कैप्सूल, जो बार एम सी क्यू के फॉर्म में आपको आया हुआ है ये एक बहुत बढ़िया सा सुंदर सा लिवर का डायग्राम है यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहूंगी लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट बेटा ये कॉन्सेप्ट लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है हार्ट में भी इम्पॉर्टेंट है लंग में भी इम्पॉर्टेंट है कई बार आपको ना ऐसा लगता है कि मैं आपका ऑपोजिट बोल रही हूँ जैसे आप जिसको लेफ्ट बोल रहे हो मैं उसको राइट right बोल रही हूँ उसका मैं रीज़न आपको बता दूँ जब भी भी आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना तो आप सामने वाले के टर्म्स में बात करते हो आगे चल के आप मेडिकल या डेंटल स्कूल में जाओगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे ठीक है वहाँ पे भी आप पेशेंट के टर्म्स में बात करोगे मतलब यू ऑलवेज टॉक सामने वाले के टर्म्स में तो आप मेरे टर्म्स में बात करोगे मेरा राइट right कौन सा हो गया ये तो ये कौन सी लोब हो गई राइट लोब मेरा राइट right, मेरा लेफ्ट कौन सा हुआ ये तो ये कौन सी लोब हो गई लेफ्ट लोब ठीक है ये राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आप हार्ट में भी अप्लाई करोगे लंग में भी अप्लाई करोगे और ये लिवर में भी अप्लाई करोगे सो टू लोब्स और उसको कौन डिवाइड करता है फैलसी फॉर्म लिगमेंट ये बताया था मैंने एम्स नीट जिपमर का क्वेश्चन है राइट right लोब के नीचे आपको एक ये छोटा सा ऑर्गन दिख रहा है इसका नाम है गॉल ब्लैडर वॉट इज इट कॉल्ड इट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर और वही नीचे ये जो आपको ऑर्गन दिख रही है इसका नाम है पैनक्रियाज इसका क्या नाम है पैनक्रियाज ठीक है तो यहाँ पे तीन ऑर्गन आ गए आपके लिवर गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज अब लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल देखो बाइल भी डिटेल में मैं आज की क्लास में कराने वाली हूँ लिवर क्या प्रोड्यूस करता है आपका बाइल पर उसको स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है गॉल ब्लैडर ये जो कॉन्सेंट्रेट वाला टर्म है मैं आपको एक एग्जाम्पल दे समझाती हूँ बट पहले बता दे रही हूं ये रियल नहीं है ये बस मैं आपको एग्जाम्पल दे समझा रही हूँ पानी सब ने देखा है हनी सब ने देखा है अब देखो लिवर ने प्रोड्यूस किया पानी की तरह बाइल उसको शहद की तरह किसने कॉन्सेंट्रेट किया उसको शहद की तरह किसने बनाया गॉल ब्लैडर ने बनाया ठीक है तो ये मतलब होता है स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करने का ठीक है पानी लिवर ने बनाया बाइल के फॉर्म में और उसको कॉन्सेंट्रेट कौन करेगा गॉल ब्लैडर करेगा बट मैं फिर से बोल रही हूँ ये बस एक एग्जाम्पल है ये रियल नहीं है ये बस आपको समझाने के लिए है कि गॉल ब्लैडर क्या करता है इट स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल ठीक है और आ गया पैनक्रियास आगे चलो अब यहाँ पे मैं कुछ डक्ट्स है जिनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ और ये डक्ट्स तीनों ऑर्गन से आपके रिलेटेड हैं लिवर गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रिया से अब मैंने आपको बताया कि लिवर की दो लोब्स होती है लेफ्ट एंड राइट तो लिवर से कुछ डक्ट्स भी निकलेंगी जिसके थ्रू उसका सिक्रीशन निकलेगा यानी जिसके थ्रू बाइल निकलेगी ठीक है तो अब लिवर की बात कर रहे हैं डक्ट्स की बात करें तो क्या नाम देंगे हिपैटिक डक्ट ये भी मैंने आपको बताया था कि हिपैटिक वर्ड जहाँ पे भी हो इट इंप्लाइज लिवर ठीक है तो लिवर की दो लोब्स आई दो डग्स आई दो लोब से दीज आर डक्ट अब गॉल डक्ट का नाम होता है ये ये देखो, ये आपका NCRT का डायग्राम डायग्राम है। वे। बहुत है, बहुत मार्किंग सबको याद होगा ओरिएंटेशन सेशन में मैंने बताया था कि मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मार्किंग पर बिल्कुल ध्यान देना डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर जिसको हम कहते हैं सिस्टिक ठीक है तो दो लोब दो आपकी लोब से दो डक्ट्स निकली वो मिल गई गॉल ब्लैडर के डक्ट से सिस्टिक डक्ट से ठीक है और उसने फॉर्म किया सी बी डी दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट फिर से बता रही हूँ लिवर के लेफ्ट लोब लिवर के राइट right लोब से डक्ट्स आई ठीक है वो हिपैटिक डक्ट हो गई सिस्टिक डक गॉल ब्लैडर से आया मिल के फॉर्म हुआ कॉमन बाइल डक्ट अब यही कॉमन बाइल डक्ट नीचे आएगा और पैनक्रियास के डक्ट से मिलेगा ठीक है पैनक्रियास के डक्ट को क्या बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट है ना तो कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियास से मिलेगा और क्या बना देगा बना देगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट हिपैटो मतलब लिवर पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज ठीक है तो क्या हुआ सबसे पहले दो आई लिवर से हिपैटिक डक्ट मिल गई सिस्टिक डक्ट से क्या बन गई कॉमन बाइल डक्ट नीचे आई पैनक्रियास से डक्ट से मिली क्या बन गई हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और ये डक्ट डॉ खुलेगी ये खुलेगी डिओडनम ऑफ द तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब देखो एक और है क्वेश्चन ऑफ ऑडी ठीक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2016 में भी एम के तौर पे आया हुआ है स्पिंटर ऑफ ऑडी जिसका नाम हिपैटो पैनक्रियाटिक स्पिंटर है और उसको हम ग्लिस स्पिंटर के नाम से भी जानते हैं तो एक स्पिंटर के तीन नाम हैं मेन इसका जो नेम आपका एनसीआरटी में मैंशनड है और जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बिल्कुल भूलना नहीं है दैट नेम इज़ स्पिंटर ऑफ ऑडी ठीक है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था जिसका नाम था रुगेरो ऑडी ठीक है रुगेरो ऑडी साइंटिस्ट के नाम पे था स्पिंटर ऑफ ऑडी ये करता क्या है ये कुछ नहीं ये एक स्मूथ मसल सेल्स के ग्रुप हैं ठीक है ग्रुप ऑफ स्मूथ मसल जो कि रेगुलेट करता है दी ओपनिंग ऑफ टिक डिओनम जब डक्ट और कॉमन रीजन को जो गार्ड करेगा वो होता है आपका स्विंटर ऑफ ऑडी ठीक है पहला नाम स्विंटर ऑफ ऑडी दूसरा नाम हिपैटो पैनक्रियाटिक स्पिंटर और तीसरा नाम ग्लिस देखो ये इस डायग्राम में भी बना हुआ है कैसे कॉमन बाइल डक्ट आया पैनक्रियाटिक डॉरपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आया ये ठीक है और इसी के पास ये जो रीजन है ये हो गया ओपनिंग ऑफ द हिपैटो पैनक्रियाटिक डू द डिओडेनम ये हो गया आपका स्पिनर ऑफ ऑडी ये वही पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूं जस्ट एक रिविजन के लिए डक्ट्स ऑफ लिवर क्या होते हैं हिपैटिक डक्ट दो होते हैं लेफ्ट एंड राइट डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर है सिस्टिक डक्ट ये भी पास ईयर एम सी क्यू है लिवर प्रोड्यूस बाइल बट गोल ब्लैडर स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल टेन टू फिफ्टीन टाइम्स ये भी एम सी क्यू है कि गोल ब्लैडर का क्या फंक्शन है या ट्रू फॉल्स में आता है ठीक है पहले आया करता था कि इज डज गोल ब्लैडर प्रोड्यूस बाइल नो गॉल ब्लैडर ओनली स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट्स ब्लैडर अपना बाइल नहीं बनाती अब देखो ये एक हिपैटोसाइट का डायग्राम है हिपैटोसाइट याद करो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर को हम हिपैटोसाइट कहते हैं तो एक हिपैटोसाइट का डायग्राम पढ़ हूँ और ऐसे बहुत सारे ग्रुप से मिलकर लिवर बनता है अब एक हिपैटोसाइट एक हेक्सागन के शेप में है ठीक है यानी उसके छ कॉर्नर्स हैं और एक हर एक कॉर्नर पे एक ट्रायाड प्रेजेंट है अब ट्रायाड हम कहते हैं ग्रुप ऑफ थ्री को हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है ट्रायड ट्रायड क्या होता है ग्रुप ऑफ थ्री जिसमें कि एक आर्टरी है एक वेन है और एक डक्ट है ठीक है ठीक आर्टरी हो गई हम यहां लिवर की बात कर रहे हैं तो बहुत इजी है आर्टरी डक्ट कौन सी हो गई लिवर बाइल बनाता है तो बाइल डक्ट और वेन कौन सा है तो वेन है पोर्टल वेन क्या बताया मैंने एक हेक्सागन उसके हर कॉर्नर पे एक ट्रायड ट्रायड मतलब तीन चीजें कौन कौन सी एक आर्ट्री दैट इज इजलटिक आर्टरी पहली दूसरी पोर्टल वेन और तीसरी बाइल डक्ट ठीक है अब आ गया आपका बीच में दैट इज द हिपैटिक और द सेंट्रल वेन लिवर के बीच में प्रेजेंट होती है आपकी हिपैटिक या सेंट्रल वेन चूंकि ये बीच में प्रेजेंट है सेंटर में प्रेजेंट है इसीलिए हम कहते हैं कि इट इट प्रेजेंट, द सेंट्रल वेन और ये लिवर की बात हम कर रहे हैं इसीलिए कहेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज द हिपैटिक और द सेंट्रल वेन ठीक है तो ये हो गई आपकी एक हिपैटोसाइट का स्ट्रक्चर अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ लिवर पे हिपैटोसाइड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज उसको अच्छे से करना अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ लिवर लिवर के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला फंक्शन सिक्रीशन ऑफ बाइल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की ये बाइल सिक्रिएट करता है इसको मैं इलाबरेट अभी नहीं कर रही हूँ ये आगे जाके ऑलरेडी मैं बाइल अलग से कवर करने वाली हूँ दूसरी चीज डी टॉक्सीफिकेशन जो भी टॉक्सिन्स आते हैं हमारे बॉडी में या जो भी हम मेडिसिन लेते हैं जो भी उनका एलिमिनेशन है टॉक्सिन्स बॉडी में जिस भी प्रकार की हो पॉइजन कंज्यूम किया किसी ने किसी ने कुछ पॉइजनस चीज़ खा ली तो वो सारा कौन डिटॉक्सीफाई करता है कौन हटाता है बॉडी से डिटॉक्सीफाई करता है आपका लिवर सो लिवर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया डिटॉक्सीफिकेशन याद रखना जब भी एग्जाम में है, अगर कभी कभी आपको एक क्लिनिकल सिनारीओ दे दे और उसमें लिखे कि सो एंड सो कंज्यूम समॉक्सिन टॉक्सिन वर्ड जहां पे आ गया और आपको आ जाए ऑर्गन अफेक्टेड सो इट इज टॉकिंग अबाउट लिवर क्योंकि सेंटर ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में लिवर होता है दूसरा आ गया आपका रीजनरेशन लिवर के पास पोटेंसी है रीजनरेट करने की तभी अगर थोड़ा सा भी लिवर बचा हो तो उसकी कैपेसिटी होती है खुद को रीजनरेट करने की सिंथेसिस ऑफ द विटामिन ए डी ई एन के ठीक है ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन ठीक है बी एन सी सबको पता है वॉटर सोल्यूबल है तो फैट सोल फैट सोल्यूबल विटामिन एबीसीडी लिवर पैंक्रिया किडनी स्टमक क्या मार्क् मार्क् करोगे ठीक है सो सिंथिस ऑफ विटामिन ई डी एन के ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स सिंथिस ऑफ एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो कि ब्लड उसका ऑस्मोसिस मेंटेन करता है उसके बाद सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन करता है लिवर करता है स्टोरेज ऑफ आयरन आयरन का स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व यह सारा सब कुछ कहाँ हो रहा है लिवर में हो रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड विटामिन सारा मेटाबॉलिज्म हमने खाना खाया हमने डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया प्रोटीन लिया फैट लिया सब जाके अल्टीमेटली लिवर में मेटाबोलाइज हो रहा है तो आप समझ सकते हो लिवर की इंपॉर्टेंस ठीक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन रीजेनरेशन मेटाबॉलिज्म ठीक है बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है बट जो बिल्कुल स्ट्राइकिंग आपको ध्यान रखने ही रख रहे हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन रीजेनरेशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिंथेसिस ऑफ द फैट सॉलिबल विटामिन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन स्टोरेज ऑफ आयरन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व अब आ जाओ जो मैंने आपको स्टार्टिंग uh, में बताया था कि एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल आम आमतौर पे क्या होता है कि हार्ट वो सेंटर है जहां पे भी कि सारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है बॉडी का और प्योरिफाई होके वेरियस अदर ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है राइट right? बट यहां पे थोड़ा सा मामला उल्टा है ठीक है डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता इंटेस्टाइन से ब्लड कभी भी हार्ट में डायरेक्टली नहीं जाता इंटेस्टाइन से क्या होता है कि ब्लड जाता है लिवर में फिर लिवर से हार्ट में जाता है अब आप सोचोगे कि जब हार्ट में अल्टीमेटली जाना था तो ये इतना घुमा कर क्यों जा रहा है ये सीधा क्यों नहीं जा रहा अभी मैंने आपको क्या बताया कि सारा मेटाबॉलिज्म जो भी आप खाना लेते हो उसमें आप फैट लेते हो कार्बोहाइड्रेट लेते हो सबका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है में होता है ठीक है तो अगर इंटेस्टाइन से खाना सीधे हार्ट में चला गया तो मेटाबॉलिज्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा राइट तो वो मेटाबॉलिज्म ताकि हो जाए इसीलिए पहले खाना सॉरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन गोज टू द लिवर और उसके बाद लिवर से हार्ट में जाता है ये इस सिंपल सी चीज को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन ठीक है तो इंटेस्टाइन से थ्रू द पोर्टल वेन द ब्लड मूव्स टू द लिवर एंड फ्रॉम द लिवर थ्रू द हिपैटिक वेन द ब्लड मूव्स टू द हार्ट दिस इज योर हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन यहाँ पे देखो हिपैटिक वर्ड है मतलब लिवर से रिलेटेड है ठीक है तो लिवर से हार्ट ये भी क्वेश्चन आया 2017 में कि हिपैटिक 2017 का एमसीक्यू है कि हिपैटिक वेन ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है इंटेस्टाइन टू लिवर या लिवर टू हार्ट लिवर टू हार्ट ठीक है ब्लड फ्रॉम द लिवर टू दार्टेज द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिपैटिक पोर्टल सर्क्यूलेशन अब आ जाओ बाइल पे जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाइल अलग से पढ़ाऊंगी लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है अब आ जाओ बाइल का थोड़ा कॉम्पोजिशन देख लेते हैं सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्लीज मार्क कर लो क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो आपको दे सकते हैं कि बाइल में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ये याद रखना बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता बाइल कंटेन्स नो एंजाइम तो बाइल में होता क्या है मैंने आपको बताया था बाइल पानी की तरह होता है तो ऑब्वियसली बाइल में वॉटर होगा ही होगा ठीक है दूसरी चीज जो बाइल में होती है वो है बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या होता है कि सोडियम एंड पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम ये दो एसिड्स के साथ कंबाइन करते हैं ठीक है कौन कौन से एसिड ग्लाइकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड टू फॉर्म सोल्ट दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम एंड पोटेशियम टोरकोलेट दो बाइल सॉल्ट होते हैं कौन कौन से सोडियम एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम एंड पोटेशियम टोरोट उसके बाद बाइल पिगमेंट्स में आ जाओ जिसमें होता है आपका बिली रूबिन एंड बिलीवर्डिन कौन कौन से बिली रूबिन एंड बिलीवर्डिन अब ये कैसे बने देखो जितने भी ओल्ड आरबीसी हुए वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते हैं कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्रीन में डिस्ट्रॉय होते हैं तो जब ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा उसका हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए राइट तो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होके हीम एंड ग्लोबिन बनता है ठीक है अब ग्लोबिन एक प्रोटीन है वो अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा और हीम जो होगा वो पहले बना देगा बिली वर्डिन और बिलीवर्डिन बना देगा इज हाउ द बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म क्या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ हीमोग्लोबिन का भी डिस्ट्रक्शन हुआ हीम एंड ग्लोबिन बना ग्लोबिन ने प्रोटीन बना दिया उसकी हीमोइटी ने क्या किया पहले बिलीवर्डिन बनाया और फिर बिलीरुबिन बनाया इसी बिलीरुबिन के बढ़ने से क्या होता है जॉन्डिस ठीक है जब बिलीरुबिन बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है जब उसको लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता तो वही बिलीरुबिन स्क्लेरा स्किन इन सब में डिपॉजिट होके एक येलोविश अपरेंस देता है जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस अब आ गया बाइल में बाइल सॉल्स पढ़ लिया हमने बाइल पिगमेंट्स पढ़ लिया अब आया कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बाइल में और क्या प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स यही कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स अच्छा कोलेस्ट्रॉल के एक्सेस होने से स्टोन्स भी बन जाते हैं ठीक है बाइल सॉल्स के भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट होने से स्टोन्स बन जाते हैं ठीक है चलो आगे अब आया फंक्शंस ऑफ बाइल जिसमें की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ठीक है देखो फैट मॉलिक्यूल डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए मुश्किल होता है तो वो काम कौन ईजी करता है वो काम ईजी करता है बाइल क्योंकि वो फैट मॉलिक्यूल को छोटे 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 पार्ट्स में फिजिकली ब्रेक कर देता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमानसिफिकेशन एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज ओल्ड आरबीसी ये मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में अच्छा पीएच एक बात मैं आपको बताना भूल गई पीएच इसका ध्यान रखना ये भी आ सकता है एमसीक्यू पीएच 7.6 होती है बाइक की एल्कलाइन बेसिक पीएच के टूवर्ड्स होता है तो हाई एल्कलाइन पीएच से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक है तो किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू हाई एल्कलिनिटी एंड ग्लाइकोजेनेसिस अब क्या होता है बच्चों जितनी हमने ग्लूकोज लिया डाइट में जितनी ग्लूकोज को बॉडी की ज़रूरत है वो बॉडी ने यूज़ किया बाकी ग्लूकोज को बॉडी ने स्टोर कर दिया लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ठीक है तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का जेनेसिस क्या किया जितनी ग्लूकोज जितनी ग्लूकोज को बॉडी की जरूरत हुई बॉडी ने यूज किया बाकी ग्लूकोज को स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये देखो अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इमलिफिकेशन ऑफ फैट मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड ये एक स्लाइड है ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाह रही हूं ठीक है ये आपको इन जनरल में भी काम आ जाएगा अब देखो फैट के डाइजेशन में ये concept है फैट जो होता है फैट को लिपिड uh, फैट एक लिपिड है तो उसको अपने आप से प्यार है बट उसको पानी से डर लगता है ठीक है तो दो टर्म्स आप जान, सब जानते हो फोबिक एंड फिलिक ठीक है, फोबिक फोबिक मतलब फोबिया मतलब डरना and मतलब प्यार तो जो मॉलिक्यूल है वो लाइपोफिलिक होता है बट हाइड्रोफोबिक होता है मतलब उसको यानी अपने आप से प्यार है और पानी से डर है तो वो सेल के पास कैसे जाएगा क्योंकि सेल इज हाइड्रोफिलिक सेल के अंदर पानी होता है ठीक है आप इसको ऐसे समझो आप अपना स्कूल का फर्स्ट डे याद करो नर्सरी या प्ले स्कूल जहां भी आप गए होगे उसका फर्स्ट डे याद करो क्या वहां पे ऐसा था कि मम्मी पापा ने आपको डायरेक्टली छोड़ दिया था स्कूल के अंदर नहीं ना मम्मी पापा ने क्या किया था आपको रेडी किया था आपका हाथ पकड़ के स्कूल में लेके गए थे सिमिलर केस फैट के साथ है फैट को डर लगता है स्कूल जाने से फैट को डर लगता है सेल के अंदर जाने से तो फैट के मम्मी पापा वहां पर कौन बन के आएगा फैट के मम्मी पापा बन के आएंगे आपके बाइल सॉल्स ठीक है बाइल सॉल्स के पास दो एंड्स है एक लाइपोफिलिक जो कि फैट से अटैच हो जाएगा ठीक है क्योंकि फैट तो खुद भी लाइपोफिलिक है तो बाइल सॉल्ट का जो लाइपोफिलिक एंड है वो इससे अटैच हो जाएगा और बाइल सॉल्ट का एक दूसरा एंड भी है हाइड्रोफिलिक एंड जो कि बाहर रहेगा समझ रहे हो मेरी बात तो मम्मी पापा ने बच्चों का अच्छे से बच्चों को रेडी किया बच्चों का हाथ पकड़ा और बच्चों को स्कूल लेके गए सिमिलरली बाइल सॉल्ट ने कवर कर लिया पूरे फैट मॉलिक्यूल को ठीक है कि चलो तुमको मैं सेल में छोड़ के आता हूं ताकि सेल तुम्हें डाइजेस्ट कर पाए बॉडी को एनर्जी दे पाए बॉडी में फैट कंटेंट दे पाए अब क्या होगा अच्छा एक और बात जब मम्मी पापा आपको स्कूल में छोड़ते थे तो क्या वो स्कूल के अंदर अलाउड होते थे नहीं स्कूल के पास गए और आपको छोड़ दिया अकेले स्कूल जाने के लिए आई I मीन mean, स्कूल के अंदर जाने के लिए सिमिलरली ये इसको अंदर लेके जाएगा किसको फैट मॉलिक्यूल कवर्ड विथ बाइल सॉल्ट बट बाइल सॉल्ट बाहर ही रह गए और फैट को अंदर घुसा दिया सेल के ठीक है अब आप याद करो आप स्कूल के अंदर गए अब फिर से आपको डर लगना शुरू हुआ वहीं आपके साथ दूसरे बच्चे भी थे जिनका भी फर्स्ट डे था स्कूल में धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई और आप ने इंजॉय करना शुरू कर दिया ठीक है सिमिलरली सेल अंदर गया फैट अंदर गया सेल के उसको डर लगा तो क्या हुआ उसके पास आया कालोमाइक्रॉन एम सी क्यू क्या आया कालोमाइक्रॉन काइलो माइक्रॉन ने बोला चलो हम दोस्त हैं हम मिलके मस्ती करेंगे तो फैट अंदर गया उसके पास आया कायलोमाइक्रॉन और वो बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो गया बॉडी में सो व्हाट इज काइलोमाइक्रॉन काइलो माइक्रॉन इज अ प्रोटीन कोटेड फैट मॉलिक्यूल फैट मॉलिक्यूल जिसके जिसको आके किसने कवर कर लिया प्रोटीन ने कवर कर लिया एंड अल्टीमेटली दिस इज अब्जॉर्ब सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑफ फैट एंड दिस इज हाउ बाइल सॉल्ट एंड बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट अब आ जाओ आज के लास्ट ऑर्गन हमने लिवर डील uh, कर लिया गॉल्ड ब्लाडर डील कर लिया अब आ जाओ पैनक्रियाज पे पैंक्रियाज क्या होते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का मतलब वो जो एंजाइम एनजाइम्स करे और एंडोक्राइन का मतलब वो जो हार्मोन बनाए ठीक है तो पैनक्रियाज क्या करते हैं एंजाइम्स भी सिक्रिएट करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना जिसमें लाइपे सबसे इंपॉर्टेंट है और वो डाइजेशन करता है वैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रिएट करता है और Pancreatic के एंडोक्राइन पोर्शन का नाम होता है आइलेट ऑफ़ ठीक है Pancreas के जो एंडोक्राइन पोर्शन होते हैं उसका नाम है आइलेट ऑफ़ फिर से पे इसका नाम रखा गया आइलेट ऑफ लैंगर है पैनक्रियास का डायग्राम एक्सोक्राइन पोर्शन एंडोक्राइन पोर्शन एक्सोक्राइन ने क्या बनाया एंजाइम्स और एंडोक्राइन ने क्या बनाया हार्मोन्स ठीक है पैनक्रियास के बारे बस यही पॉइंट है कि इट इज अ हेक्सोक्राइन हेट्रोक्लाइन ग्लैंड व्हिच कंसिस्ट बोथ ऑफ द एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन पार्ट्स चलो अब आज का हमारा ये सेशन तो खत्म होता है यहां पे जहां पे कि लिवर गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज हमने डील कर लिया ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको जैसे बताया था कि एग्जांपलर क्वेश्चन आपका सीधे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है दैट इज हिपैटो पैनक्रियाटिक इनटू द डिओडम एंड कैरीज ए बाइल बी पैनक्रियाटिक जूस बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एंड डी सलाइवा तो क्या नाम क्या क्वेश्चन पूछा है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट मतलब लिवर भी और पैनक्रियाज भी लिवर ने क्या बनाया बाइल पैनक्रियाज ने क्या बनाया पैनक्रियाटिक जूस तो क्या आंसर होगा बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एक और क्वेश्चन लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इज एसोसिएटेड विथ वेरियस फंक्शन चूज विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बी डाइजेशन ऑफ फैट सी फॉर्मेशन ऑफ बाइल डी सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन नोन एज गैस्ट्रीन ठीक है मैंने आपको बताया था कि

तो आज का हमारा ये पावर पैक सेशन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था यहाँ पे मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एंड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसके बाद आपको इस टॉपिक पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है थैंक यू सो मच जल्दी मिलेंगे एक दूसरे सेशन और एक दूसरे धमाकेदार टॉपिक के साथ थैंक यू